गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए सेकंड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में टॉपिक नया लिया हमने, जो कि आपका यूनिट फर्स्ट का मुद्रा का मूल्य व इसमें परिवर्तन से संबंधित इस चैप्टर का नाम है। इसके अंतर्गत पिछली क्लास में बात कर रहे थे कि सामान्य कीमत स्तर और मुद्रा के मूल्य का उल्टा संबंध होता है, विपरीत संबंध पाया गया है। कैसे? अगर कीमतें दुगनी हो रही है तो मुद्रा का मूल्य आधा हो जाता है, अगर कीमतें वस्तु की आधी हो रही है तो मुद्रा का मूल्य दुगना हो जाता है। इस प्रकार मुद्रा के मूल्य और सामान्य कीमत स्तर के बारे में विपरीत संबंध की चर्चा आपको पिछली क्लास में बताई और साथ में मुद्रा स्फीति की परिभाषाओं के बारे में कि मुद्रा स्फीति किसे कहते हैं, अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई थी। इसके अंतर्गत मुद्रा स्फीति की परिभाषाओं में बात करें तो सामान्य कीमत स्तर का या कीमतों का लगातार बढ़ना ही मुद्रा स्फीति कहलाता है। कीमतें अगर एक ऐसे नहीं है कि एक साल या दो साल में बढ़ रही है घट रही है, वो मुद्रास्फीति नहीं कहलाएगा। कीमतों का लगातार बढ़ना ही मुद्रास्फीति कहलाता है और ये जो है ये लगातार बढ़ना मुद्रास्फीति तो है ही, साथ में उपभोक्ता की क्रय शक्ति कम हो जाती है अगर उसकी मौद्रिक आय में वृद्धि नहीं होती है। तो मुद्रास्फीति का मतलब बढ़ती कीमतें हैं, ना कि ऊंची कीमतों से, कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो कि काफ़ी महंगी होती है, जैसे सोना है, विलासिता की जो वस्तुएं होती है वो काफ़ी महंगी होती है, तो आप उसको मुद्रास्फीति में नहीं मान सकते, वो तो वस्तुएं ही महंगी होती है या दुर्लभ वस्तुएं होती है या इनका उत्पादन कम मात्रा में होता है इसलिए ये वस्तुएँ महंगी होती है। इसलिए मुद्रास्फीति का मतलब बढ़ती कीमतों से है, ना कि ऊंची कीमतों से। इसके अंतर्गत कुछ अर्थशास्त्रियों ने अपनी परिभाषाएं दी थी, जिसमें गार्डनर एक्ले के द्वारा मुद्रास्फीति की जो परिभाषाएं दी गई है उसके अंतर्गत उन्होंने ये बताया कि सामान्य कीमत स्तर में निरंतर व काफी वृद्धि के रूप में मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है, कि कीमतों में वृद्धि होना और वृद्धि भी कैसी होना, लगातार वृद्धि होना ही मुद्रास्फीति कहलाती है। और इसके अंतर्गत उन्होंने चार चीज़ों को मुद्रास्फीति के अंतर्गत माना, कि मुद्रास्फीति जो है इसमें फर्स्ट जो बात बताई उन्होंने कि कीमतों का लगातार बढ़ना या उल्लेखनीय मात्रा में जब कीमतों में वृद्धि होती है तो वो आपकी मुद्रास्फीति मानी जाती है। दूसरी बात बताई उन्होंने कि यह एक असंतुलन की दशा है, कि कीमतें जो स्थिर थी वो धीरे 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 बढ़ने लगी, तो अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में थी कीमतों के स्थिर रहने के कारण, लेकिन कीमतों में वृद्धि हो गई तो हमारी संतुलन की जो अवस्था है वो किस में बदल गई, असंतुलन की दशा में बदल गई कीमतों के बढ़ने के कारण। तीसरी बात इसमें बताई गई थी जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी, मैं तो इसको वापस रिमाइंड करवा दूँ आप लोगों को, यह एक प्रक्रिया मानी जाती है। क्या? मुद्रास्फीति एक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ अगर लगातार हो रही है, कीमतों का लगातार बढ़ना हो रहा है, तो वो एक प्रोसेसिंग के अंतर्गत आ जाता है, यानी प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट बात बताई थी इसका विश्लेषण, यानी मुद्रास्फीति के विश्लेषण की अगर अपन बात करते हैं तो इसका विश्लेषण जो है प्रायोगिक की सहायता से किया जाना चाहिए। और प्रायोगिक मैंने आपको बताया फर्स्ट ईयर में जब आप थे तब आपको ये बता दिया गया कि अर्थव्यवस्था में स्थैतिक विश्लेषण, तुलनात्मक विश्लेषण और प्रायोगिक विश्लेषण होता है। तो स्थैतिक विश्लेषण जो होता है वो स्थिर अर्थव्यवस्था से संबंधित, तुलनात्मक एक स्थिति की एक संतुलन की तुलना दूसरे संतुलन बिंदु से की जाती है, और प्रायोगिक में गतिशील अर्थव्यवस्था या गत्यात्मक अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत ये जो परिवर्तन हो रहा है ये परिवर्तन किस मार्ग से हो रहा है इसके बारे में बताया जाता है। तो मुद्रास्फीति
रहेगी, अर्थव्यवस्था कभी भी स्थिर नहीं रहती है, इसमें जो है परिवर्तन होते रहते हैं। इस प्रकार इसका जो विश्लेषण है, मुद्रास्फीति का विश्लेषण प्रावीण्यिकी की सहायता से किया जाना चाहिए, और ये सारी चीज़ें पिछली क्लास में हो चुकी। अब आज की अगर बात करें तो मुद्रास्फीति की दर को कैसे ज्ञात किया जाता है, उसका सूत्र एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उसके द्वारा ही मुद्रास्फीति की दर को आप ज्ञात कर सकते हो। उसी सूत्र को आज स्टार्ट करते हुए आज की क्लास आगे बढ़ाएंगे। तो मुद्रास्फीति की दर के सूत्र का ज्ञात करने का जो सूत्र है उसमें लिखते हैं, वर्ष टी में मुद्रास्फीति की दर, वर्ष टी में, वर्ष टी में मुद्रास्फीति की दर। अब यहां पर वर्ष टी दिया है, टी का मतलब यहां पर तो टी इन्होंने ऐसे ही इंगित कर दिया। आप 2011 की निकालना चाहते हो, 2012 की निकालना चाहते हो, 13 की निकालना चाहते हो, जिस भी साल की मुद्रास्फीति की दर निकालना चाहते हो वहां यहां पर इन्होंने टी से संबंधित कर दिया है। इक्वल वर्ष टी में कीमत स्तर, जिस साल की निकालनी है अपने को, उस साल में वस्तुओं की कीमतों के जो स्तर है उसके डेटा यहाँ पर आएंगे। तो वर्ष टी में कीमत स्तर माइनस वर्ष टी माइनस वन में कीमत स्तर, टी माइनस वन में कीमत स्तर। तो जिस साल में आप निकालना चाहते हो उस साल का कीमत स्तर अपॉन जिस साल का निकालना चाह रहे हो उससे पहले के साल में वस्तुओं की कीमतों का कीमत स्तर कैसे रहा है। कहने का मतलब अगर हमें 2012 का निकालना है, यहाँ पर 2012 मानते हैं, तो वर्ष 2012 में जो कीमतों का स्तर है वो वर्ष 2011 में जो कीमतों का स्तर है, टी माइनस वन का मतलब है जिस साल का निकालना चाहते हो उससे पहले का कीमतों का स्तर क्या रहा था, अपॉन वर्ष टी माइनस वन में जो कीमत स्तर रहा है, कीमत स्तर इंटू आ जाएगा आपका 100। यह आपका मुद्रास्फीति की दर का निकालने का फॉर्मूला है। तो वर्ष टी में कीमत स्तर अपॉन वर्ष माइनस वर्ष टी माइनस वन में कीमत स्तर अपॉन वर्ष टी माइनस वन का कीमत स्तर। इस प्रकार आपको ये फॉर्मूला मुद्रास्फीति की दर का याद रखना है। इसी फॉर्मूले के द्वारा मुद्रास्फीति की दर को निकाला जाता है, ज्ञात किया जाता है। अब इसके अंतर्गत एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें जो कीमत स्तर है उसको सूचकांकों की सहायता से, क्योंकि जो डेटा होते हैं तभी तो मुद्रास्फीति की दर को ज्ञात किया जा सकता है, तो इसके अंतर्गत जो है सूचकांकों की सहायता से जाना जाता है किसको, कीमत स्तर के सूचकांकों को। यहाँ पर वर्ष टी में कीमत स्तर, वर्ष टी में कीमत स्तर 120 और वर्ष टी माइनस वन में जो कीमत स्तर है, कीमत स्तर वो कितना है, 110 है। मतलब टी माइनस वन की अपेक्षा वर्ष टी में जो कीमतें हैं वो बड़ी है। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो है आप इसमें बड़ी निकाल, इसके अंतर्गत जो है कोई से भी साल का जो है कीमत सूचकांक मुद्रास्फीति की दर ज्ञात कर सकते हो। अब अपने को इस डेटा को इस फॉर्मूले में फीड करना होगा, तो आपको यहाँ पर वापस वही करना है, ये मैंने यहाँ इसको ऐसे ब्रैकेट्स में कर दिया है, वर्ष टी में मुद्रास्फीति की दर निकालनी है अपने को, वर्ष टी में मुद्रास्फीति की दर ज्ञात करनी है। इस प्रकार टी में 120 कीमतों का स्तर है, टी माइनस
हमने कीमत सूचकांक कितना है 110 है और अपॉन आ जाएगा आपका टी माइनस वन का कीमत स्तर जो कि कितना है 110 है। इस प्रकार इनटू 100 आ जाएगा 120 में से 110 गए तो 10 अपॉन 110 इनटू 100 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना 100 अपॉन 11। इसमें इसका भाग दो गया तो जो भाग दे गया वो आएगा 9.1 जो है ये 9.1% आपकी मुद्रा स्फीति की दर निकल के आ जाएगी। वर्ष टी में मुद्रा स्फीति की दर जो कीमतें बढ़ी है वो कितने प्रतिशत बढ़ी है 9.1% की वृद्धि हुई है। 120 से 110 यानी 110 से 120 जो कीमतें बढ़ी है इसमें इस प्रकार आप वर्ष बी में मुद्रा स्फीति की दर को ज्ञात कर सकते हो। इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए या फिर जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार मुद्रा स्फीति का जब आपके क्वेश्चन आता है कि मुद्रा स्फीति किसे कहते हैं सूत्र के द्वारा स्पष्ट कीजिए तो आपको मुद्रा स्फीति की परिभाषा देखिए गार्डनर एक्रिल के द्वारा दी गई परिभाषाओं के साथ ही मुद्रा स्फीति के अंतर्गत जो चार चीजें मैंने आपको बताई है उन चार चीजों का वर्णन करते हुए आप ये फॉर्मूले के द्वारा मुद्रा स्फीति की जो क्वेश्चन आएगा आप उसको कर सकते हो। और बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसमें तो ये करना ही है उसमें तो कहने की बात भी नहीं है। इस प्रकार 4 नंबर का जब क्वेश्चन आता है तो आपको सूत्र के सहित बताना है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मुद्रा स्फीति की दर को ज्ञात करने के लिए कई प्रकार के सूचकांकों का उपयोग किया जाता है। जो मुद्रा स्फीति की दर है उसको ज्ञात करने के लिए कई प्रकार के सूचकांक ज्ञात का उपयोग किया जाता है जैसे कि वर्तमान समय में अगर अपन बात करते हैं तो थोक मूल्य सूचकांक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है थोक मूल्य सूचकांक होता है। तो अभी वर्तमान में अगर अपन बात करते हैं तो थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर के आधार पर मुद्रा स्फीति ज्ञात की जाती है इस आधार पर थोक मूल्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक अलग अलग सूचकांक होते हैं। तो वर्तमान में अगर अपन बात करते हैं तो थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर जो है मुद्रा स्फीति की दर ज्ञात की जाती है। वर्तमान समय में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो 2004-5 में या 4-5 को आधार वर्ष लिया जाएगा और जिस भी साल को आधार वर्ष लिया जाता है वहां पर जो कीमतों का जो स्तर है वो 100 के बराबर माना जाता है। कहने का मतलब ऐसा साल आधार वर्ष के अंतर्गत शामिल किया जाता है जिस साल में कीमतों में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होते हैं। इस प्रकार जो है वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रा स्फीति की ज्ञात की जाती है। 2004-5 को आधार वर्ष मानने के बाद 2017-18 को आधार वर्ष माना गया है जिसमें कीमतों में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं हुए हैं। इस प्रकार मुद्रा स्फीति की दर जो है ज्ञात की जाती है। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर भारत में मुद्रा स्फीति की दर को हेडलाइन मुद्रा स्फीति की दर भी कहा जाता है। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर जो मुद्रा स्फीति की दर ज्ञात की जाती है भारत में उसको कौन सी हेडलाइन मुद्रा स्फीति क्या कहते हैं हेडलाइन मुद्रा स्फीति की जो है की दर कहा जाता है थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। मुद्रा स्फीति की दर को ज्ञात करने का
दूसरा तरीका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वो भी होता है कौन सा ध्यान देते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसके द्वारा भी मुद्रास्फीति की दर को ज्ञात किया जाता है। तो मुद्रास्फीति की दर अलग अलग सूचकांकों पर ज्ञात की जा सकती है। इसके अंतर्गत जो है मुद्रास्फीति की दर आपका मूल्य सूचकांक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इस प्रकार से जो है अलग अलग दर पे ज्ञात कर सकते हैं। वर्तमान में तो मूल्य सूचकांक ही इसका निकालने का तरीका है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मुद्रास्फीति की विभिन्न किस्मों के बारे में चर्चा करेंगे कि मुद्रास्फीति के कौन कौन से प्रकार हैं। मुद्रास्फीति भी एक तरह की नहीं होती है, मुद्रास्फीति भी कई तरह की होती है, इसलिए मुद्रास्फीति की विभिन्न किस्मों के बारे में चर्चा की जाएगी। इसकी तालिका बनाएंगे कारणों के आधार पर, तीव्रता के आधार पर अलग अलग तरह की मुद्रास्फीति पाई जाती है। इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसको फिर मैं रफ करूंगी। अत्यधिक का मतलब बहुत तेज,
जो फास्ट से भी ज्यादा फास्ट होती है उसको बोलते हैं अत्यधिक तेज रफ्तार वाली मुद्रास्फीति, अत्यधिक तेज रफ्तार वाली मुद्रा स्फीति। इस प्रकार यह है तीव्रता के आधार पर मुद्रा स्फीति के बारे में बताया गया है, आप लोग इसको साथ के साथ नोट करते चलिए। कारणों के आधार पर मुद्रा स्फीति की बात करते हैं, जो मुद्रा स्फीति के दूसरे प्रकारों के अंतर्गत आता है, जिसमें फर्स्ट जो मुद्रा स्फीति होगी आपकी वो हो जाएगी मांग जन्य या मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति। इसको भी तीन भागों में बांटा गया है, मैं इसको नीचे लेके आ रही हूँ जगह के कारण, आप इसको बना लीजिए अपने हिसाब से। फर्स्ट हो जाएगा आपका मांग जन्य, मांग के कारण, मांग के बढ़ने के कारण जो मुद्रा स्फीति उत्पन्न होती है मांग जन्य या मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति, मांग जन्य या मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति जो कि मांग में वृद्धि के कारण उत्पन्न होती है वो मांग जन्य या मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति कहलाती है। दूसरी जो मुद्रा स्फीति होगी वो होगी आपकी लागत जन्य, लागतों के बढ़ने के कारण, लागत जन्य या लागत प्रेरित मुद्रा स्फीति, जो वस्तु की लागत बढ़ जाती है, लागत के बढ़ने से कीमत बढ़ने और कीमत बढ़ी तो आपकी मुद्रा स्फीति भी क्या होगी, कीमतों के बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ती है और उसी को लागत जन्य मुद्रा स्फीति कहा जाता है। नेक्स्ट जो मुद्रा स्फीति है वो आपकी ढांचागत मुद्रा स्फीति कहलाएगी, जो कि तीसरे प्रकार की मुद्रा स्फीति है। ढांचागत मुद्रा स्फीति जो मांग के बढ़ने के कारण नहीं, लागत के बढ़ने के कारण नहीं, और भी बहुत सारे कारण होते हैं, इसलिए उसे ढांचागत मुद्रा स्फीति कहते हैं। और इस प्रकार आपके मुद्रा स्फीति के जो किस्म है या मुद्रा स्फीति के जो प्रकार है ये प्रकार हो जाते हैं और ये कारणों के आधार पर मुद्रा स्फीति कहलाती है। इस प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मुद्रा स्फीति की किस्मों का, प्रकार का। जब आपके बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आता है या प्रकार के बारे में चार नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो आपको पहले इंडेक्स बना के ये इस प्रकार से देना होगा। अब इन सभी जो मुद्रा स्फीति के जो प्रकार हैं इन सभी प्रकारों का विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत अलग अलग जो साधारण मुद्रा स्फीति, तेज रफ्तार वाली मुद्रा स्फीति, अत्यधिक तेज रफ्तार वाली मुद्रा, ये सब जो मुद्रा स्फीति है इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक से चर्चा की जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका कई बार जो है बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर इसको जो है वर्णन करते हैं। इन सब के बारे में चर्चा की जाएगी। सबसे पहले लिखिए साधारण
साधारण मुद्रा स्फीति जिसको सामान्य मुद्रा स्फीति भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो मुद्रा स्फीति होगी इसमें कीमतों में धीमी गति से वृद्धि होती है, ज्यादा तेज गति से वृद्धि नहीं होती, कीमतें धीरे 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 बढ़ती रहती है। प्राय एक इकाई वाली मुद्रा स्फीति की वार्षिक दरों की स्थिति को साधारण मुद्रा स्फीति के अंतर्गत संबोधित किया जाता है। एक इकाई का मतलब होता है 0.1 से लेकर 9.9 प्रतिशत तक जो वृद्धि होगी वो आपकी साधारण मुद्रा स्फीति के अंतर्गत आती है। इस स्थिति में लोगों का मुद्रा में विश्वास बना रहता है कि कीमतें तो मांग के बढ़ने के कारण जो है बढ़ती और घटती रहती है, इस प्रकार वो मुद्रा में भी विश्वास बनाए रखते हैं कि कीमतें तो मांग के बढ़ने के कारण घट और बढ़ जाती है। लोग मुद्रा को दीर्घकालीन समझौते करने से नहीं हिचकिचाते क्योंकि उनका मुद्रा में विश्वास होता है, वो ये नहीं सोचते कि मुद्रा की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। मुद्रा का मूल्य भविष्य में आज की तुलना में जो है बहुत ज़्यादा नहीं बदलेगा, यानी कि अगर कोई चीज़ महंगी भी होगी तो धीरे धीरे मान लो कोई 100 रुपये की चीज़ है, अगर 5 महीने की बात करते हैं तो 5 महीने बाद वो चीज़ कितने की आएगी, 110 रुपये की या 105 रुपये की, 107 रुपये की, इतने प्रतिशत ही उसमें वृद्धि हो सकती है, इससे ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि 100 रुपये की वस्तु एकदम से जो है 150 रुपये की आ जाएगी या 200 रुपये की आ जाएगी, और वो आती भी है तो सिर्फ अल्पकालीन यानी कम समय के लिए आती है, ऐसा नहीं है कि वो दीर्घकाल तक इसी प्रकार की रहेगी। कई बार अपने आप देखो जो चीज़ 20 रुपये की होती है, जैसे प्याज है वो 20 रुपये किलो है, तो वो एकदम से बढ़कर धीरे धीरे करके 40 होंगे, फिर 50 होंगे, फिर 60 होंगे, फिर 70 होंगे, फिर 100 रुपये तक हो जाते हैं। इस प्रकार वो जो कीमतें हैं वो प्याज की कीमतें 1 महीना 2 महीने तक रहती है, उसके बाद वो वापस अपने नॉर्मल स्तर पर आ जाती है। उस स्थिति को आप मुद्रा स्फीति नहीं कह सकते, उस स्थिति को मुद्रा स्फीति इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कीमत वापस अपने स्तर पर आ जाती है। पेट्रोल के दाम का बढ़ना, डीजल के दाम का बढ़ना, अब ये कीमतें लगातार 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 बढ़ रही है, इसके कम होने की हम आशा नहीं कर सकते हैं, ये आपकी मुद्रा स्फीति के उदाहरणों के अंतर्गत आता है। इस प्रकार यहाँ पर लोगों का अपने मुद्रा में विश्वास रहता है, वह अपनी मुद्रा को नकद रूप में ही रखना पसंद करते हैं, उसे अन्य परिसंपत्तियों में परिवर्तित करना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कीमतें तो थोड़े समय के लिए बढ़ी है, वापस जो है स्थिर हो जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर 1990-2000 के अनुसार चीन में मुद्रा स्फीति की जो वार्षिक दर है वो 1980-90 के दशक में 5.9% थी। चीन में कितनी थी? 5.9%। 5.9% का मतलब हो गया आपका 6% के आसपास। कब? 1980 से 90 के दशक में। 1980 से 90 के दशक में जो है चीन में मुद्रास्फीति की दर 5.9% थी। जापान में इसी समय की अगर अपन बात करते हैं तो जापान में 1.7% थी। कितनी थी? 1.7%, जिसके कारण वहाँ वही जो है मुद्रा साधारण मुद्रास्फीति की दर मानी जाती है, इसको साधारण मुद्रास्फीति कहते हैं। जापान में 1990 से 2000 की अवधि में ये मात्र 0.1% रह गई। जापान में ही कितनी रह गई? 0.1%। कौन से दशक में? 1990 से लेके 2000 में, यानी मुद्रास्फीति की दर घटी है। इस प्रकार ये साधारण मुद्रास्फीति कहलाती है। वर्तमान में हमारे देश की मुद्रास्फीति की अगर अपन बात करते हैं तो 2019 में भारत में मुद्रास्फीति की जो दर है वो 4.76% थी 2019 में, और 2020 की अगर अपन बात करते हैं अभी की तो कितनी है? 4.95%
मुद्रास्फीति की दर है। इस प्रकार ये साधारण मुद्रास्फीति की दर कहलाती है, जिनकी जो दर का जो वैल्यू होती है वो एक इकाई के अंतर्गत होती है, यानी एक इकाई की में जो प्रतिशत आती है 0.1 से लेकर 9.9% तक की जो इकाई होगी वो आपकी साधारण मुद्रास्फीति के अंतर्गत मानी जाती है। इस प्रकार आपके जो है यहाँ पर साधारण मुद्रास्फीति की दर की